नमस्कार दोस्तों, ये है पॉपअप। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस पॉपअप के अंदर आखिर क्या होता है और किस वजह से ये पॉपअप बहुत सारे स्टेट में या कंट्री में बैन है। तो चलिए फटाफट से हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। दोस्तों, ये बड़ा बॉक्स हमने परचेस किया है 300 रुपये में, जिसके अंदर हमें 50 छोटे छोटे बॉक्सेस मिले हैं और हर एक के अंदर हमें 50-50 के छोटे छोटे पॉपअप कलरफुल मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे एक बार अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये है इसका फ्रंट लुक, जहाँ पे कलरफुल ब्रांडिंग दी गई है और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन दी गए हैं। ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जहाँ पे लिखा है 50 पीसेस इनसाइड। तो चलिए फटाफट हम इसे खोलते हैं और हम एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कलर के पॉपअप हमें मिले। ओ, काफ़ी कलरफुल पॉपअप हमें मिले गए। तो एक बार हम इसे खोल के देखेंगे। इसे अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, कई लोग इसे बैंक स्नैपर्स कहते हैं, वीपर स्नैपर्स कहते हैं, पॉपर्स कहते हैं या फिर पॉपअप क्रैकर्स आप इसे कैसे हैं, और कई लोग इसे लहसुन बॉम्ब भी कहते हैं। तो एक छोटा सा क्यूट सा दिखने वाला लहसुन बॉम्ब भी आप इसे कह सकते हैं। तो काफ़ी कलरफुल है दोस्तों। तो चलिए एक सिंगल पॉप क्रैकर्स को उठाते हैं और पूरा उसे फाड़ कर देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का है इसका रैपिंग, और जैसे हमने इसे खोला तो हमें अंदर मिलते हैं ये कुछ 5-6 शायद हो गए इसमें। और निकल जा भाई, एक हार्ड पेपर है दोस्तों। हार्ड पेपर में उसके अंदर हमें मिलते ये कुछ इस तरह के पार्टिकल। ओ, इसके अंदर हमें मिलते ये सैंड के छोटे छोटे से टुकड़े, जो कि कोटेड हुए रहते हैं सिल्वर फुलमिनेट से। सिल्वर फुलमिनेट एक हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल है दोस्तों, जिसकी कोटिंग की वजह से ये जो सैंड के पार्टिकल है, जैसे इसका फ्रिक्शन होता है तो इमिडिएटली एक्सप्लोड होता है दोस्तों। सिल्वर फुलमिनेट की विशेषता ही ये है दोस्तों कि एक फ्रिक्शन सेंसिटिव मटेरियल है, जैसे ये फ्रिक्शन होता है ये फटाक से इसे एक्सप्लोजिव हो जाता है। अगर आप इसे सिंगल सिंगल ऐसे नीचे डालेंगे तो ये एक्सप्लोड नहीं होगा, क्योंकि इसके फ्रिक्शन ही नहीं होगा। और अगर इसे एक साथ अगर डालेंगे, जैसे इसे फ्रिक्शन होगा तो फटाक से इसे एक्सप्लोड होना चालू होगा, कुछ इस तरह से। तो अब हम एक ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक्सप्लोड करता है। और इसकी इसी वजह से ये बहुत सारे राज्यों में या कई कंट्रीज़ में भी बैन कर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्शन सेंसिटिव है और कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो कुछ इस तरह से, और अगर एक बार हम इसे एक्सप्लोड हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, बाद में एक्सप्लोड नहीं होता, बाद में सिर्फ हमें मिलती ये छोटे-छोटे सैंड के टुकड़े। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।